मैं ज्वाइन हो जाऊंगा अभी, वो अपने मेहमान आ गया तो थोड़ा उनसे बातचीत करके 2 मिनट में, तब तक थोड़ा मीटिंग ओके संभालिए। ओके ओके। ओके okay। अच्छा ये सर ने ओपन किया है क्या? नहीं, मैंने ओपन नहीं किया है, वो अपने ओपन हो गया। अच्छा, नहीं, वेणु सर ने ओपन किया है। ये बहुत यूजफुल टिप्स है, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी बहुत यूजफुल टिप्स है। अच्छा वेणु सर से जितना भी हमें मिलता है ना, वो मतलब लाजवाब है। इनके हाँ साथ जी, बहुत ही देख मतलब जी, अभी देखिए हम आते हैं। ओ वेरिफाई के बारे में इस मंच पे कभी बात करें क्या हम अभी तक? ओ वेरीफाई पे नहीं, ओ हाँ वेरीफाई बिल्कुल, बात नहीं। करो, वेरीफाई क्या है। हाँ जी, ये वो रिपे है, अबे आने वाला है। अगर आए तो 72 आवर्स, लगभग 70 घंटे के अंदर हम वेरिफिकेशन कर लेना, ये केवाईसी के लिए। और फॉरवर्ड मैं बाद में देखकर मैं बता दूंगा। तो फिर घंटे वेरिफिकेशन घंटे वेरिफिकेशन कर देना हाँ वेरीफाई, वो अभी टेस्टिंग में है। टेस्टिंग तो बीटा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद स्मूथ जब चलेगा तभी आएगा। और वो वेरीफाई अपना समय बचाने के लिए, अभी देखिए विड्रॉवल लगे तो किसी को 2 महीने लग रहा, कभी 3 महीने लग रहा। जो शुरुआत में उनको जो मिला 3 हफ्ता लगा, 21 डेज के बाद ही मिला, जो क्रिप्टो के द्वारा पैसे पता अपने नहीं है। विड्रॉ कर चुके हैं, तो इतना समय लग रहा, तो इनका समय बचाना है। तो कम करने के लिए या मैनुअल केवाईसी बंद करके अपना ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम से कंपनी ने केवाईसी करना चाहते हैं। ये केवाईसी काम करने के लिए थर्ड पार्टी पे डिपेंड करना पड़ता है, मतलब कि ये काम दूसरों को सौंप दिए तो वो लोग $10 या $15 $20 लेके अपना केवाईसी करके देते, तो पैसे फूकना पड़ता फर्स्ट पॉइंट, और पैसे उनके पास जाते। और उसके साथ साथ अपना हर फाउंडर का, दूसरों को दिया तो ये काम, हर फाउंडर का आईडी पासवर्ड भी देना पड़ता, वॉलेट रहता सिक्योर नहीं रहता, तो कंपनी ने खुद का अपना लाना चाहती है, दूसरों के पैसे क्यों देना केवाईसी के लिए। अभी देखिए बचपन में मैं देखता था पोस्ट ऑफिस या बैंक में, जो फॉर्म भरना नहीं जानते हैं, जो भी है डिपॉजिट फॉर्म जो विड्रॉवल फॉर्म, वो भर के देने के लिए एमआरओ ऑफिस के पास और बैंक के पास लोग, मैं कहीं देखता था वो लोग दो दो पैसे लेते, 5 रुपया 10 रुपये 20 रुपये लेके फॉर्म भर के देते, वैसे लोग देखते थे। ये इसको बोलते थर्ड पार्टी, जो हम काम हमारा काम हम करना था तो हमारा समय नहीं कर पाते। तो आजकल देखिए SBI सर्विस, SBI बैंक वाले क्या कर रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे, वो लोग वो बाहर थर्ड पार्टी सर्विस पॉइंट देते हैं, जाके वहाँ भी हम पैसे देख सकते। अभी आजकल रेलवे स्टेशन में देख रहा हूँ टिकट बोलती बहुत भीड़ रहती है, तो थर्ड पार्टी देते हैं, वहाँ मिशन रख देते हैं, मिशन के पास हम पैसे ले सकते हैं, वो थर्ड पार्टी हो गया, या कभी आदमी को बिठाया तो मिशन से हम टिकट लेकर निकाल सकते हैं, हमारा समय बचेगा। तो वैसे थर्ड पार्टी को सौंपना चाहते, परंतु थर्ड पार्टी के लिए वेरिफिकेशन के लिए अपना हर फाउंडर का आईडी पासवर्ड वहाँ उनको देना पड़ता, तो सिक्योर कहाँ रहेगा फिर अपना जो पहुंच उनके हाथ में, तो मुश्किल हो जाएगा। कंपनी ने क्या किया, अपना खुद का वेरिफिकेशन लाना चाहते हैं, दो पैसे बच गए तो फिर वो कंपनी को फाउंडर को बांटेगी ना। तो ये वेरिफिकेशन केवाईसी के लिए और समय बचाने के लिए और पहचान के लिए, कौन चोर है कौन राजा है, और इसमें कौन फाउंडर है कौन यूजर है कौन कस्टमर है कौन रिसेलर है, इनको अलग अलग करना पड़ता है, इसका काम ही आपका है। और क्या है, और जो भी केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उनका पहचानना, वो JPEG फॉर्मेट में है, इमेज और PNG फाइल है, और वो PDF फाइल में है, वो ओरिजिनल है फेक है, और किस देश वाला, और अगर भारत इंडिया वाला है तो इंडिया का सबमिट करा, अचानक वो दुबई का सबमिट किया, ये पहचान के लिए सही समय पर रियल टाइम में पहचान के लिए कामयाब का है। और सही समय पे पक्का काम करना, और कम समय में 10 लोगों का 20 लोगों का 1000 लोगों का काम एक कंप्यूटर से कंपनी ने करवाना चाहती है, ये इस कामयाब का है। और हमारे देश में देखिए ड्राइविंग लाइसेंस होता है और पासपोर्ट होता है, आधार कार्ड होता है, इलेक्शन कार्ड होता है, ये सारे कार्ड, फिर भी एक यूनिक होता है आधार जैसा स्पेशल। तो फिर हमारा देश का होगा आधार, फिर दूसरे देश का होगा और कुछ, और दूसरे देश का होगा, इससे
240 देशों में तकरीबन कम से कम 540 डॉक्यूमेंट्स ये वेरीफाई हो जाता है और OCR टेक्नोलॉजी माध्यम से, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिजोल्यूशन टेक्नोलॉजी, और RTF बोलते हैं, रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन, सही समय पर पहचानना। मतलब आज अभी हम अपना चेहरा दिखाया तो तुरंत पहचाना चाहे या घंटे के बाद पहचाना चाहे, तब तक जो चोरी होना, जो डैमेज होना वो हो जाता है, तो पकड़ना है तुरंत। यहाँ देखिए नीचे सपोर्ट ओवर 500 डॉक्यूमेंट टाइप इन 242 कंट्रीज, ठीक है। और इसके बाद आते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। पहले हम अपना चेहरा दिखाना, बाद में आईडी बताना, सेकंड स्टेप होता है फेस रिकॉग्निशन, पहचानना शुरू हो जाता है, तो वहां में डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, बाद में ग्रीन बल्कि टिक हो जाता है। जब टिक हो गया, वेरीफाई वॉलेट हो गया, ग्रीन हो गया, तब अपने को ट्रैफिक शुरू हो जाता है। जो भी कंपनी से मुनाफा हम चाहते थे वो मिल जाएगा, तब तक नहीं मिलेगा, वेरीफाई नहीं होगा, नहीं होगा। फिर जो मिल रहा है जिसको, वो क्रिप्टो माध्यम से जो कार्ड पेमेंट जो किया है उनको कंपनी जो ग्रीन सिग्नल देगी तभी मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा, तब तक इंतजार करते हैं रे। और मेरा परिचय नहीं दिया, मैं वेणु वेणुगोपाल, तेलंगाना राज्य में कामारेड्डी जिला से, और आज का को होस्ट और आपका दोस्त भी, ठीक है। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, और थैंक यू राजेश सेन जी, और मुझे आमंत्रित किए दो शब्द अपना वाणी यहाँ सुनाने के लिए। और देखिए आप कहीं हिमाचल प्रदेश में और कहाँ का कोई यूपी में, और देखो अभी आए मोहम्मद अशरफ अंसारी जी, क्या बात है। तो हमारे अमय तेलंगाना से लगभग 1600 किलोमीटर 2000 किलोमीटर हाँ, हम सब लोग को हमारे कंपनी ने जोड़ दिया, जोड़ने का ये बॉन्डिंग है ओ कनेक्ट, ठीक है। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, चलो। एक्सेप्ट आवर ओ वेरिफिकेशन फेशियल स्कैन एंड टर्म्स एंड सर्विस, ये होता है, ठीक है। तो वो गड़बड़ वाला है तो उसको आईडी टर्मिनेट वहीं कर देती है। और अब देखिए आप कस्टमर नहीं है, यूजर नहीं है, रिसेलर नहीं है, कौन है आप? इस फाउंडर है जी, हाँ जी जी, ठीक है। तो अच्छा आप फाउंडर है तो फाउंडर के मुनाफा फाउंडर अकाउंट में डालना चाहिए या किसी यूजर कस्टमर को चलेगा तो कैसे रहेगा? और यूजर कस्टमर को जो मिलना था वो आके आपके अकाउंट में आए तो अच्छा, आपको जो ब्लेस किया, जो इन्वाइट किया, किसके वजह से आप आन पासी में खदम रख 97 डॉलर दे के आए और आपका मुनाफा उसको गया? तो जिसको जिसका जिस बंदे का जिस फाउंडर का मुनाफा उसी को देना, उसके लिए कामयाब का वेरिफिकेशन। अपलोड ए प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी, हाँ हम अपलोड करेंगे तो ये आएगा क्या? पहले हम वो वेरीफाई आए तो वहाँ कंट्री डालना, आप किस देश वाले हैं, बाद में अपना जन्मदिन बर्थडे ये डाले तो बाद में वो नेविगेट होता है पेज, रीडायरेक्ट होके जहाँ हमारे को ले जाना वहाँ ले चलता है, वो वेरिफिकेशन के पास आ जाएंगे, तब यहाँ प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहले फेस यहाँ से अपना चेहरा बताना, जो भी आजकल जो अपना वो वेरिफिकेशन के लिए सावधानी से रहना, अपना प्रोफाइल पिक है OAS में, प्रोफाइल पिक अभी राष्ट्रपति देखिए ऊपर दिख रहा है, अच्छा कोट सूट पहन के देखा, और जहाँ देखे मोहम्मद अंसारी जी और दाढ़ी गीढ़ी जोरदार लगा है, तो और लोग आजकल नहीं दिख रहे ऐसे फैंसी फोटो लगाते, नहीं लगाना। जब वेरीफाई आएगा खत्म हो जाएगा वो हिसाब किताब, तब तक बदल लो, अभी जो भी बदलना है अभी बदल लो। वेरीफाई आए तो पूरे लाख हो जाएंगे, कुछ नहीं बदल सकते, नाम फोन नंबर कंट्री जो भी है अभी कर लो। अभी प्रोफाइल पिक ऐसा रखना है कि सीधा दो आंख दिखना, दो गाल, लेफ्ट राइट दो गाल, और जैसे हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे नौकरी के लिए, जैसे बैंक में नया अकाउंट खोलने के लिए, वैसे फोटो लगाना प्रोफाइल पिक में। अचानक सब ठीक है, अगर प्रोफाइल पिक सही नहीं तो रिजेक्ट होने की संभावना है, सावधानी से रहना, ठीक है। नेक्स्ट मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस ऐसे शुरू हो जाएगा, अपना चेहरा बताना। तो उसके लिए अपना जो कैमरा है, फ्रंट कैम बैक कैम मोबाइल में साफ सफाई करना, जो धूल मिट्टी पसीना कोई गंदगी लग गई, तो वेरिफिकेशन से पहले शुरू होने, प्रोसेस शुरू होने से पहले हम क्या करना, अपना जो कैमरा एक मुलायम कपड़ा नरम कपड़ा से साफ कर लेना, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा करके, तब प्रोसेस शुरू करना, तब अपना आईडी बताना। अच्छा सब करे, अपना कैमरा साफ नहीं, फटा फुटा है, तो क्या है, रिजेक्ट होने की संभावना है।
कैंसिल हो सकता है वेरिफिकेशन, क्यों? अब सब ठीक है, अपना सब ठीक है और अपना प्रोफाइल पिक में अपना प्रोफाइल पिक सही नहीं तो होने की संभावना है, सावधानी से रहना। तो सेल्फी लेना, सेल्फी लेने के बाद वो रियल टाइम में फेस रिकग्निशन करता है, करने के बाद पहचानता है ये फाउंडर है। बाद में अपना आईडी जो भी है, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वो बताना। वो बताए तो कैसे रहना, अपना दांत भी दिखना है। कोई लोग नाक बंद कर देते, दांत बंद कर देते, पहले बताए अपना चेहरा, हाँ अपना सूरत बताए। तो बाद में सेकंड स्टेप इसके साथ आईडी के साथ, आईडी ऐसे बताना है कि नीचे अपना दांत वो सारे दिखना है जो भी अभी शो हो रहा है, वैसे नीचे लगाना, बस एक सेल्फी लेना। और लेना नहीं आता उस समय में नहीं और सही नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को दे दे भाई ये फोटो निकालो, अपना स्कैनिंग कर दो, वो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किसी के फाउंडर का साथ ले लो। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, पहले अपने चेहरा, बाद में आईडी के साथ। नेक्स्ट हम आते हैं वो नेम, अपना नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वो भी चेक कर लेना। बाद में आईडी टाइप, आधार रखे और इलेक्शन कार्ड रखते हैं, इलेक्शन कार्ड के बदले में पासपोर्ट रख रहे, क्या रखे वो चेक कर लेता है। चेक करने के बाद वो सारे डिटेल्स ऐसे आ जाते हैं, अपना आईडी, ओएस आईडी भी दिखता है। वहाँ प्रोसेस करना, अगर कोई गलत दिखाया, हम जो बताए उन्होंने बताया वो शो नहीं हुआ, और हम एक आईडी बताए तो दूसरा आईडी में वो शो हो रहा, तो यहाँ रिसेट बटन दिखता है अपने को, रिसेट दबाए तो फिर पूरा रिसेट कैंसिल हो जाता, पहले से फिर दोबारा हम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वेरिफिकेशन में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऊपर देखिए, और जिसका मोबाइल है दो उंगली से जूम कर लो, और ये अपना ऑन पासिव का वो कनेक्ट एप्लीकेशन डाल के इस मीटिंग में आए तो जूम की सुविधा है ही नहीं, पता नहीं आप मेरे को बता देना बाद में। और ये प्रॉब्लम जूम की सुविधा नहीं तो हम क्रोम ब्राउजर में इस मीटिंग अटेंड करते हैं, तब उनको सुविधा है। और तभी भी नहीं हुआ तो क्या करना, अपने को गूगल क्रोम में एक सुविधा है एक्सेसिबिलिटी जूम बोल के, उसको एनेबल करना, जिसके ब्राउजर में एक्सेसिबिलिटी जूम फोर्स जूम बोल के बटन एनेबल नहीं रहता, बंद रहता, चालू करना, एनेबल करना। तो दो उंगली से हम, मैं जो बता रहा हूँ स्क्रीन पे, क्यों कंप्यूटर वाले को बड़े बड़े अक्षर दिखता है, जो मोबाइल वाले को दिक्कत ना हो उनके लिए बता रहा हूँ, वो दो उंगली से जूम इन जूम आउट कर लेना, छोटा बड़ा अक्षर कर लेना, जो मैं जो बोल रहा हूँ तुरंत समझ आ जा रहा है। और नीचे मोबाइल वाले को यह सुविधा दिया, प्रिंट ऑप्शन दिया, और कॉपी भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ भी समझ नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लो कम से कम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रीन टिक आ जाना, फेस रिकॉग्निशन वेरीफाई हो गया तो वेरीफाई बोल के ग्रीन टिक आ जाना। नेक्स्ट ओए क्या हुआ, हाँ चलो अभी आ गए, पेज चले गया कैसे चले गया, हाँ बाद में फेस एंड आईडी वेरिफिकेशन ग्रीन टिक आ जाना, समझ गया ना जी, ये तीन हो जाना। पहले क्या होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रीन टिक, फेस रिकग्निशन ग्रीन टिक, फेस एंड आईडी ग्रीन टिक, ये हो गया तो तब प्रोसेस पे चले जाता, और प्रोसेस होने के बाद आईडी ग्रीन हो जाता, तब वॉलेट में वो ट्रैफिक को सारे जो भी दिखना है दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं दिखे तो जब तक दिखेगा तब तक इंतजार करो वेरिफिकेशन के बाद, क्यों बोले तो सबका होना है ना, काफी टाइम लगता है, किसी को उसी दिन लगता होगा शायद, किसी दिन को दो तीन टाइम दिन टाइम लगता है। और ये ट्रैफिक इसके अनुसार, किसके अनुसार, जब ज्वाइनिंग हुआ $97 दे के आए उसके अनुसार, मतलब 2018 में वहां से प्रोसेस शुरू, साइकिल शुरू होता है 19 वाले को, बाद में 2021 बाद में 2022 में ज्वाइन हुआ उनको, ऐसे 18 से शुरू होता 22 तक खत्म होता। तो 18 में एग्जांपल 500,000 लोग है समझो, उसमें सिर्फ 1,00,000 को ये पैकेज बाय हुआ, 2018 में 1,00,000 लिए 1,00,000 से शुरू होता ट्रैफिक, बाद में 19 आए वहां 500,000 लोग है
परंतु 50,000 लोग पैकेज ओकेनेट बाय हुआ, बाकी लोग खाली सिनेमा देखते बैठे, तो वो 50,000 के ट्रैफिक बांटना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है साइकिल 20-21, तो ऐसे डेट ज्वाइनिंग डेट एंड स्टाम्प के अनुसार, और खुद का मेहनत करो या अपने से नहीं बना कंपनी जब तक ट्रैफिक बैठेगी तब तक इंतजार करो, सपोर्ट करेगी, कैसे करेगी, कितना करेगी, वेट एंड सी अपडेट के लिए। फिर जो भी जो लोग बोलते हैं यूट्यूबर्स ये लोग वो लोग, उनका विश्वास नहीं करना, बैक ऑफिस में जो दिखता है वो रिटर्न लिखा जाता है, वो ये बात पक्की, या किसी वेबिनार में हमारे यहाँ सब बताना ये होने वाला है, इस बात को हम विश्वास कर सकते, ठीक है। और ये तो सब लोग जानते हैं। इसके बाद मैं एक पीपीटी बनाया था, वैसे से कुछ मुझे सीखना था पीपीटी, और हाँ सीख रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन देने के लिए और कुछ वो फोन में, अपना कंप्यूटर नहीं है तो जो भी प्रेजेंटेशन मोबाइल में, तो मुझे ये बताना था जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो बोलते हैं मैं मीटिंग कैसे कंडक्ट करूँ, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास करंट नहीं, करंट है तो बैटरी नहीं, करंट है बैटरी दोनों है तो बैलेंस डाटा नहीं, आटा नहीं घर में खाने के लिए, मोबाइल में डाटा भी नहीं। तो इन लोगों को ऐसे, मैं अभी मोबाइल में शो कर रहा हूँ, तो मोबाइल वाले ऐसे भी कर सकते हैं बिना कंप्यूटर, तो उसके लिए ये बहाने नहीं बनाने की जरूरत नहीं, सब लोग हम पैकेज बाई किए ये, तो सब लोग मीटिंग अटेंड करना और खुद का मीटिंग बनाना, लोगों को इन्विटेशन देना, निमंत्रण देना, और जो कुछ वैसे कुछ अपने जो भी है। इसके बाद हम एक बार स्पेशल प्रोग्राम रखना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, और अपना आईडी पासवर्ड बचा के रखने के लिए हम क्या करें फाउंडर, और सेफ्टी के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी चेतवानी है। हाँ तो ये हाँ ये अच्छा हुआ, एक्सेस को होस्ट देने से अच्छा हुआ, जिस डिवाइस को होस्ट दिए बताना आसान बन गया। और एक पीपीटी दूसरा बनाया हूँ, हाँ ये थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा अभी एक बार बनाया फेल हो गया, 4 पेज था ये बनाया, फिर लगभग 5-10 पेज, ठीक है। इसमें फ्रॉडिंग कैसा होता है, अपना फाउंडर जो भी है, देखिए ज्ञान बांटना एक नॉलेज देना, ज्ञान बांटना मुफ्त में बांटना भी दान योगदान होता है, कोई दानों में योगदान में पैसे देना या खून देना, खाना खिलाना, ये सारे योगदान बोलते हैं। यहाँ आजकल वाईफाई देना, हाँ नेट देना, और कुछ ज्ञान बांटना ऐसे भी, हाँ सही कि आप किसी मीटिंग में आने के लिए अपना लिंक देना, ये भी एक डोनेशन होता है, डोनेशन में लिंक भी दे सकते हैं, कोई होते खून और ब्लड डोनेशन, हाँ खाना देना, ये डोनेशन अलग अलग कितने प्रकार डोनेशन होते हैं वैसे, और ज्ञान मुफ्त में ज्ञान बांटना भी एक डोनेशन होता है। और आते हैं मेन टॉपिक पर, फ्रॉडिंग जो भी है ठगना कितने प्रकार का होता है, इतने प्रकार का, और मैं विस्तार से अब ब्रीफली बता के क्लोज कर देता हूँ, जो भी छोटा मोटा कुछ बताकर क्लोज कर देता हूँ। अभी इतने प्रकार से यहाँ फ्रॉडिंग होने की संभावना है, अभी लोन ऐप्स, न्यूड कॉल्स, मैट्रिमोनी कोई .com है मैट्रिमोनी, हाँ जो शादी का जो भी आजकल होता है फ्रॉडिंग, यहाँ भी आजकल ज्यादा होता है मैट्रिमोनी पर, हाँ हाँ। ये इसके बाद आते हैं मार्फिंग, हाँ मार्फिंग अपना चेहरा दूसरों का, आजकल अभी ज्यादा हलचल हो रहा है ना, हीरो हीरोइन का उनको मार्फिंग करना, तो ऐसे भी संभव ठगने का संभावना है, अपना फाउंडर बच के रहना। रुको
हाँ जॉब फ्रॉडिंग, मैं नौकरी दिलवा दूंगा बल्कि पैसे लेते हैं, बाद में गया स्विच ऑफ। हाँ एक को पेज नहीं रुक रहा, बाद में इधर उधर घूम रहा, क्या बात है। हाँ तो और एक फ्रॉडिंग होता है क्यूआर स्कैनिंग। आजकल हमारे तेलंगाना में चाय पीने जाते 6 रुपया 10 रुपया स्कैनिंग कर देते बस, बिना पैसे छुट्टा जो इतने जेब में। तो क्यूआर कोड 100% सेफ नहीं। लोग अभी लिंक, जो भी लिंक आता है डरते हैं, कौन सा लिंक में हम छुए तो लिंक क्लिक करे तो कौन सा प्रॉब्लम आता। वैसे बोल के क्यूआर कोड भी 100% नहीं। हम जो भी शॉपिंग के लिए जाते हैं फोन पे, गूगल के, गूगल पे, अमेजन पे, आप पेटीएम पे, ऐसे अलग अलग पे हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ फ्रॉडिंग होने की संभावना है। वहाँ पे सावधानी से देखना, पूरा चेक करने के बाद तब पेमेंट करना। और KYC फ्रॉडिंग, और बैंक से आते हैं कभी, इधर से इधर से आते हैं कोई, हम डाटा सेंटर से। अभी आजकल देखो नेता ने इलेक्शन टाइम, तेलंगाना में इलेक्शन टाइम था, वो तुम इतने कॉल सारे, इनको कहाँ पता, कैसे पता चला हमारा नंबर, वो डेटा सेंटर से। फिर डेटा सेंटर को कैसे समाचार मिला, तो ये हमारे ऐप्स हम डालते हैं ना, डाउनलोड करते इंस्टॉल करते, जब परमिशन दिए तो पूरा समाचार उनके पास चले जाता, तो तब वो बेच लेता ब्लैक मार्केट में। जो खरीदा तो फोन कर लेता, भाई मैं आपको लोन दिलवा दूंगा, आपका KYC सही नहीं, आपका ये OTP बताओ, ये बताओ। तो सावधानी से रहना, वैसे कुछ नहीं, कोई बैंक वाले भी हम पूछताछ नहीं करते, ये चाहिए बोल के, वो चाहिए बोल के। और लॉटरी फ्रॉडिंग, लेफ्ट में दिखा है लॉटरी, अभी इसके लोभ में, लालच में तो जाते हैं, 10 रुपये टिकट लो या 100 रुपये टिकट लो, आपको 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का लॉटरी आ जाएगा। ठीक है, वो 20 साल पहले, 10 साल पहले तो थोड़ा वो उस पर विश्वास कर सकते थे, अभी वो हम विश्वास नहीं कर सकते। सावधानी से रहना, लॉटरी का भी आजकल फ्रॉड हो सकता है। फिर उसके और एक होता है ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स, अभी घोड़े पे और क्रिकेट बेटिंग, ऐसे बेटिंग होता है आजकल। अब तेलंगाना में संक्रांति बहुत विशेष होता है, बड़ा पर्वदिन त्यौहार होता है, तो उसमें जो मुर्गा मुर्गी मुर्गी फाइटिंग होता है, और वैसे अलग अलग बेटिंग बेटिंग होता है, जुआ खेलना ज़्यादा होता है यहाँ आंध्रा में। अभी तो आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, फिर भी उनके दोस्तों ने संपर्क में आने से थोड़ा बहुत यहाँ भी आजकल थोड़ा चल रहा। इलीगल अनऑफिशियल, और उसमें हम भाग नहीं लेना, ऐसे हो तो हमारा ID टर्मिनेट होने की संभावना है, कंपनी सब ट्रैक करती है वो मीडिया माध्यम से। और एक होता है NGO सपोर्ट, आजकल हम एक सेवा कार्यक्रम नया खोले, एक हमारा एक आश्रम खोले, कुछ मदद करो फिर आपको भला हो जाएगा, भगवान ये करेगा वो करेगा बोलेंगे, वो NGO में 100% सज्जन लोग नहीं, उसमें भी चोर लोग हैं कई लोग। तो हम सोचना पड़ता कौन सा जेन्युइन है, कौन सा ओरिजिनल है, कौन जेन्युइन है, कौन फेक है। ये फाउंडर का जिम्मेवारी, फाउंडर का प्रथम लक्षण है सावधानी से रहना, जैसे अपना आंख और दिमाग CID जैसे, पुलिस जैसे काम करना। नेक्स्ट आता है मॉर्फिंग। हाँ ये बताया ना, आजकल सावधानी से रहना, अपना परिवार के फोटो कभी कहीं नहीं देना, सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना, और अचानक किए जो उसके रिटर्न गिफ्ट मिलता उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, लोग को ये बीमारी 24 घंटे नेट ऑन रखते हैं, कभी बाथरूम में और अपने बेडरूम में मोबाइल नहीं ले जाना, और ले गए तो नेट ऑफ कर देना। और इंटरनेट एक डिवाइस के लिए भोजन होता है, खाना होता है, कंप्यूटर हो या टैब हो, स्मार्ट वॉच या मोबाइल, जितने इंटरनेट से काम करते उसका खाना भोजन है इंटरनेट। जो भी ठगना है, जो भी मार खाना है तो इंटरनेट से, जो भी फायदा होना है इंटरनेट से। इंटरनेट होता है एक तलवार, तलवार को दोनों तरफ तेज रहता, कैसे भी इस्तेमाल हो। और नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, ये एक तरीका होता है, ये करो और एक कॉल आ रहा, रुको अभी आ रहा, तब तक संभालो मीटिंग, अभी आ रहा हूँ। ओके, तो ये देखो, ये सब जानकारी नहीं रहते एक्चुअली में, लेकिन जब हम ये चीज जान लेते ना तो हम काफी ज्यादा सिक्योर होने के चांसेस रहता है हमें। सही बात है, बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि मोबाइल चलाते तो है पर उनका सही तरीका नहीं है। अब आम लोग आप नहीं हो, क्योंकि आप अनपैसिव के अगर फाउंडर हो, आप खास हो,
बहुत ही ज्यादा खास है। और आपके जो अकाउंट है, आपके जो जीमेल है, आपके जो फोन नंबर है, ये भी बहुत खास हो गया है। अब पहले नहीं था, जब से आप फाउंडर बन चुके हो उसके बाद से आप थोड़ा स्पेशल हो गए हो। तो उस स्पेशल होने के लिए आपको पहले जैसे थे आप उसको बदलना होगा। अब ये सारी जो जानकारी आपको मिल रहा है, ये सारी चीजें जो है आपको धीरे 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 डेवलप होना है। ऐसे करके ही चलेगा। हम पहले जैसा बैठे नहीं रहेंगे। हमें लगता था कि अगर हमें इतनी जानकारी नहीं थी फिर भी काम चल पड़ेगा, लेकिन हमें मजबूरी हो गया कि जब हम ऑनपेसिप के साथ फाउंडरशिप लेने के बाद जो पद संभाल दिया, और उसके लिए हमें खुद को अब तैयार होना है। ठीक है, तो जितना भी आपके पास टाइम है, आप इंटरनेट को और जगह इस्तेमाल करने के बजाय आप कुछ सीखने की जरूरत है। और ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते, आप इस तरह से जितने भी वैल्यूएबल मीटिंग्स रहता है उनको अटेंड करना होगा। आपको आपको समय देना होगा, आप बैठ के आराम से ये सारी चीजें जो है आपको सीखना होगा और समझना होगा और प्रैक्टिस में लाना होगा। तीनों चीज जब आप करेंगे तो आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते कि जो कुछ भी होगा अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये सब चीजें अपने खुद के साथ डेवलप नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और सही टाइम पर आप जो भी करना होगा कंपनी के हिसाब से जो क्राइटेरिया रहेगा या फिर जो भी आपको फायदे के लिए करना होता है वो आप सही टाइम पे नहीं कर पाओगे। फिर आप इधर उधर इसके हेल्प उसके हेल्प ये कर किसी को बोलते रहोगे कि आप मुझे मेरा कर दो मेरा कर दो। ये सब चीजें आपको खुद को करने के लिए तैयार होना है, और इसी के लिए हम ये सब मीटिंग अरेंज भी कर रहे हैं और ये सब सीख भी रहे और सर हमारे सिखा रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सो थैंक यू सो मच सर। आप आगे होंगे शायद। हाँ आ गया। थैंक यू। और ये मोबाइल से ही प्रॉब्लम होता है, और बताना और कुछ सिखाना। इतने में कॉल आए तो अटेंड करे तो फिर साउंड चलेगा, पेज रिफ्रेश करके आना। हाँ, और जिनको प्रॉब्लम है और कॉल आया बीच में तो मीटिंग फिर वापस आए तक साउंड चले गया तो पेज रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश जाने तो ठीक है, अगर नहीं जाने अभी स्क्रीन पे बता रहा हूँ। जो चाइना फोन इस्तेमाल थे उन लोगों को डिफॉल्ट ब्राउजर दूसरा रहता, गूगल क्रोम नहीं रहता। तो जो लोग जब जब मीटिंग लिंक लेकर किसी ना किसी मंच पे जाने के लिए कोशिश करते हैं, सावधानी से देखिए, ध्यान दीजिए वो कहाँ ले जा रहा हमारे को, या ओकनेट एप्लीकेशन पर या अथवा डिफॉल्ट ब्राउजर पर। डिफॉल्ट ब्राउजर अगर अपना चाइना फोन है तो चाइना यूजर यूसी ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, सफारी ब्राउजर है तो हटा दीजिए। हटाकर सेटिंग कर लो गूगल क्रोम पर, जब जब मीटिंग अटेंड करते या गूगल क्रोम पर या हमारे अनपॉसिबल का ओ कनेक्ट पर। ओ कनेक्ट पुराना है, एक महीने दो महीने पर, तो हटा दीजिए, अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो अपने डिवाइस में। तो बाद में अब नया वर्जन आया, प्ले स्टोर में सीधा नहीं जाना, ओएस पर आकर वहां से डाउनलोड कर लो। अब ये लेटेस्ट वर्जन आया वो स्मूथ चल रहा काफी। हाँ ठीक है। और ओएस एप्लीकेशन और दो एप्लीकेशन है ना इंस्टॉल करने के लिए मोबाइल के लिए, ओ कनेक्ट और ओएस। ओ कनेक्ट हाँ। और एक्सेसिबिलिटी अभी जो अभी मैं दो दिन से सता रहा बोल के टेम्परेरी है, काम नहीं नहीं कर रहा है, ना करने के लिए उसको रोक दिया, अनइंस्टॉल नहीं किया, तो सीधा गूगल क्रोम पे आ गया। आने के बाद मुझे जो लोग प्रेजेंटेशन देते मोबाइल पर उनका देखना चाहता हूँ स्क्रीन पे जो आता है, तो जूम नहीं हो रहा, दो उंगली से छोटा, अभी बड़ा स्क्रीन है कंप्यूटर या तो क्या होता है जूम करने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े अक्षर बड़े स्क्रीन पे आ जाता है। जो मोबाइल बहुत छोटे अक्षर है, आंखों का नजर कम है, यो चश्मा चढ़ा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ नहीं आता, फिर उसके लिए जूम करना पड़ता है। जूम की सुविधा दूसरे ब्राउजर में नहीं, जितना सिक्योरिटी फीचर्स और ये ऐसे जूम की सुविधा जितना हमारा गूगल का गूगल क्रोम ब्राउजर में है उतना दूसरे ब्राउजर में नहीं। हम जब लिंक लेके आते हैं जैसे दोपहर का मीटिंग में ऐसे, तो सीधा ओकनेट पे आना या अथवा
गूगल क्रोम पे जाना, गूगल प्ले क्रोम गए तो यहाँ सेटिंग में मेनू में दिया, ऊपर राइट साइड तीन डॉट्स है और वो मेनू है गूगल क्रोम का, वहाँ अंदर जाने के बाद सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी जूम बोल के लिखा है, उसको इनेबल करना, तब क्या होता मोबाइल वालों को दिक्कत नहीं होता, दो उंगली से जूम इन जूम आउट छोटा अक्षर बड़ा अक्षर कर सकते तब तक, और डिफॉल्ट सेटिंग हो रहा सपोर्ट हो रहा, ठीक है जिसको सपोर्ट नहीं हो रहा उसके लिए ये रास्ता गूगल क्रोम में सेटिंग में जाने के बाद उसमें एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है, उसमें फोर्स जूम बोल के, फोर्स शो जूम ऑप्शन इन मेन मेनू, ओके तो यहाँ लिखा है फोर्स एनेबल जूम, वो ऑफ है सबके फोन में बंद रहता, उसको चालू कर दो एनेबल कर दो तब आसान होता है मीटिंग अटेंड करना। हाँ ये फ्रॉडिंग के बारे में बात कर रहे थे हम, और इसके इन्वेस्टमेंट का हो गया, मार्फिंग का हो गया इन्वेस्टमेंट। हाँ ये एक नया बिजनेस है आनपासी में, एप्पल वॉलेट में एप्पल कब देंगे पता नहीं, तब तक एक नया बिजनेस आया तब तक ये कर लो, जब आया तब छोड़ दो, ऐसे बोलने वाले भी एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केट है, बाइनरी सिस्टम है, यूनिफॉर्म सब अलग अलग जितने हैं, या ऐसे भी है तेलंगाना में आजकल ऐसे भी हो रहा है, ये एक नया जगह है और 5 साल या 10 साल श्रीगंधम वो महंगे महंगे खेती बाड़ी करो और क्या बोलते हैं पेड़ पौधे पालो पैसे आ जाएंगे। हाँ जैसे पुष्पा सिन्हा में पुष्पा राज करता है, हाँ वैसे पेड़ों को चंदन चंदन के लकड़ियाँ और आजकल यहाँ हो रहा है, वो खाली जमीन है तो हमारे को दे दो उसमें हम ये करेंगे, 20 साल के लिए 10 साल के लिए करो, उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता, ये अलग बिजनेस। तो अलग अलग जैसे पानी का धंधा, ये धंधा वो धंधा, शराबी ऐसे, तो उसमें कोई जेन्यून नहीं कोई फ्रॉड है, तो ये आजकल नया ऑनलाइन है वर्चुअल क्रिप्टो जैसे इन्वेस्टमेंट करो और आपको इतने दिन में ये कॉइन्स आ जाएगा, बाद में आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे, बाद में वॉलेट में दिखते, वो वर्चुअल दिखने को मिलता, बाद में वो वॉलेट में नहीं आएंगे, वॉलेट में आया तो बैंक में हम ड्रा करने गए तो नहीं दिखेंगे, ये भी एक अलग तरीके का फ्रॉडिंग। और फ्रॉडिंग में नंबर वन है भारत के कई राष्ट्र कई जिला जमतारा जैसे, वो अनपढ़ रहते 5वीं 10वीं भी नहीं पढ़ते और टेक्नोलॉजी में बहुत रहते, उनके घर में इंटरनेट लेटेस्ट डिवाइस करोड़ों का बैंक बैलेंस, उनका यही काम है कैसे दूसरे किसका वॉलेट कैसे चुराना, चुरा लिया दिल बाद में चुरा लिया कैसे वॉलेट, तो चोरी चोरी चुपके चुपके धीरे आना, अभी देखिए अभी चक्कू लेके कोई काट दिए तो चमड़ी कट गए तो खून निकले तो पता चलता ये काट रहा है मुझे, तो ये टेक्नोलॉजी में और ये इंटरनेट के माध्यम से चोर आते हैकर्स आते और काट दिया तो पता भी नहीं चलता कब कट हो गया खून कब निकल कुछ पता नहीं चलता, कट होने के बाद पता चलता, और ज़्यादा साइबर क्राइम में ज़्यादा फ्रॉडिंग होता है हमारा सपोर्ट से फाउंडर के सपोर्ट से ही होता है, लालच में लोभ में जाते हैं ज़्यादा पैसे के चक्कर में, लोग बोलते हैं पैसे की दिक्कत है विटामिन ई प्रॉब्लम है घर चलाना कैसे करो बीवी बच्चों को पालना इसके लिए पैसे के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ता वो फिर कर्ज है मेरे को चुकाना, ये सारे बहाने इतने वाले थे, फिर इसके चक्कर में ये लोग इनको टारगेट करते हैं हैकर्स जो चोरी है चोर होते हैं इनको टारगेट करते हैं, तो सावधानी से रहना, कोई कैलकुलेटर खोल दी क्या। ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉडिंग। नेक्स्ट होता है लोन ऐप्स, अभी मैं उधार दूंगा, उधार देने के लिए मेरा एक लोन एप्लीकेशन है ऐप अपने डिवाइस में डाल दो इंस्टॉल करो, बाद में लोग आपको लोन मिला है, जब तक नहीं करेंगे तब तक लोन नहीं मिलेगा, और पैसे कभी भी दे दो कोई मर्जी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हर महीने में जो इंटरेस्ट है वो दे दो, तो इसके चक्कर में किसी कोई यहाँ तो मैं देख रहा हूँ किसी का 50,000 किसी का 10,000 किसी का 1,00,000 वो मिलता है, परंतु जान खा जाते खून पी लेते चूस के पी लेते वैसे छोड़ी ना छोड़ेंगे, तो पूरा अपना जो भी है डाटा उन पर चले जाता है, अपने फोटो मोबाइल में वीडियोस मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर सब चले जाते, तभी वो लोन देता, लेने के बाद अचानक एक दिन एक घंटा देर हुआ उनको पैसे देना, हर महीने में देना वो अपना जो समझौता कर रहता दोनों के बीच में, ये आइसक्रीम खाने से नाक काम नहीं कर रहा नाक से बात कर रहा, तो ये प्रॉब्लम रहता मित्रों
सावधान से रहना, और लोन ऐप्स अगर है तो तुरंत निकाल दो वो वेरीफाई आने से पहले। और कौन लोग को मेकअप की बीमारी ज़्यादा आजकल इनमें मर्दों में देख रहा हूँ, औरतों को भी प्रॉब्लम है, कम उनकी कमजोरी है मेकअप ऐप्स डालना, मेकअप करना। और जो जितने परमिशन देते वो एप्लीकेशन देने के लिए, वो सही ढंग से काम करने के लिए, जैसे हम व्हाट्सएप डाले, फेसबुक डाले, ओ कनेक्ट, ओ यस, ये इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड अलग होता है, इंस्टॉल अलग होता है। देखो एक इमेज है, फोटो है, उसको डाउनलोड बोलते हैं, इंस्टॉल नहीं बोलते। एप्लीकेशन है, पहले डाउनलोड होता है बाद में इंस्टॉल होता है, तो लोगों को ये पता नहीं, सीधा अनइंस्टॉल कर देते, सीधा अनइंस्टॉल नहीं करना, कभी भी जाकर हटाना है एप्लीकेशन को, तो सीधा ऐप इंफॉर्मेशन में जाना। वो कहाँ रहता, एक एप्लीकेशन सिंबल दिख रहा चिन्ह, जैसे व्हाट्सएप का, जैसे हमारा ओएस वो कनेक्ट का, उस पर 3 सेकंड दबाना या 5 सेकंड दबाए तो ऐप इन्फो खुल जाता, वो में स्टोरेज मिलता, स्टोरेज में जाकर कैश कैचर डाटा पहले हटा देना, और डाटा हटा देना, हटाने के बाद तब आके अनइंस्टॉल करना, सीधा अनइंस्टॉल कभी करना है, उसमें घुस जाना पूरा चेक करके, पूरा जो भी है पकड़ के निकालना, हटा देना, जो भी हटाना डिलीट करने के बाद तब अनइंस्टॉल करना, एक अनइंस्टॉल करने का तरीका होता है। अभी देखिए एक पेड़ पौधे हैं, ऊपर काटना अलग होता है, जड़ से उखाड़ के फेंक देना अलग होता है, तो हम अनइंस्टॉल करने के बाद जो सपोर्टिंग फाइल्स अंदर रह जाते हैं वो फिर हम फाइल मैनेजर में गए तो हमारे को पता चलता, तब तक नहीं मालूम नहीं होता। हम हटाने के बाद भी वो काम करते रहता है, क्यों, वो सपोर्टिंग फाइल लेके आता है, हम वहाँ छोड़ के चले जाते, ये लोगों को पता नहीं, कई लोगों को वैसे नहीं करना। इसके वजह से हम बेडरूम टॉपिक, जो भी बाथरूम टॉपिक है, वहाँ बातें होते हैं, वहाँ फोटो वीडियो वहाँ चले जाएंगे, लोगों को ये बीमार है, बेडरूम में फोटो लाते वहाँ चार्जिंग रख देते, बेडरूम में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो भी है फोन स्मार्ट वॉच, जैसे सीसी कैमरा, वहाँ कुछ भी नहीं रखना। और नेट है तो अपने आप वो काम शुरू हो जाता है, हैक हो गया तो सिक्योर सेफ से अनसिक्योर नहीं रहते। और जिसका ब्राउजर है, ब्राउजर में स्पेशल दिया डू नॉट ट्रैक, वो ऑप्शन बंद रहता है, वो चालू रख दो, कोई भी ट्रैक करने वाला जो भी हैक कर रहा है उसको दिक्कत होता है आपको ट्रैक करने में, उसको जितना दिक्कत हुआ तो उतना अच्छा है। और एग्जांपल है गूगल क्रोम वाले, क्रोम में वहाँ दिया, एक मिनट अभी बता दूंगा, वहाँ दिया सेटिंग में, दिया सेटिंग में जाकर वहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन दिखता है, उसमें जाकर वहाँ दिखता है सेंड ए डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट, सबके फोन में बंद रहता, वो चालू रखो। ऐड प्राइवेसी के नीचे थर्ड पार्टी के कुकीज है, उसके नीचे दिखता है सेंड डू नॉट ट्रैक, सबके फोन में बंद रहता, वो चालू रखो, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में दिया वो ऑप्शन। ऐसे कई है सिक्योरिटी फीचर्स, बहुत अच्छा क्रोम ब्राउजर है, हम गूगल वाले को विश्वास नहीं करे तो और किसको करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या था वो बिना देखे मैं इस मीटिंग में घुस गया, पता नहीं, बोलते जा रहा हूँ फिर वो ठीक है, मैं मानता हूँ वो आपको कुछ यूजफुल है, कामयाब का है। और हेलो, समय को ध्यान देते हुए अपना जो भी शेयरिंग टॉपिक को यहाँ खत्म कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट। नहीं नहीं, गोपाल सर नमस्कार, नमस्कार, आप चालू रखिए, बहुत बढ़िया शेयरिंग करते हैं। मुझे एक प्रश्न था सर, आप अभी मीटिंग ज्वाइन करते थे तब जो ऊपर अपन जो बोलते हैं वो आता है, वो अंदर ऊपर आता है, और आपका शेयरिंग वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो क्या सब में ऐसा दिखाई देता है? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही, पेज रिफ्रेश किया तो एक वाला है था, साउंड चले लो हो गया तो पेज रिफ्रेश किया, फिर अब आपका आवाज सही है सुनने को मिल रहा है। तो देखिए आप अपने डिवाइस में ओ कनेक्ट एप्लीकेशन डाला नहीं डाला ये बताओ, इंस्टॉल किया? डाला है सर, वो पुराना है डाला है, एप्लीकेशन अभी नया डाला है।
मैंने सर मैंने ओएस में जाके वो ओ कनेक्ट वाला ऑप्शन है ना वह क्लिक किया तो बाद में डाउनलोड का ऑप्शन आता है। वेरी गुड, वहां से किया है। तो अब बताओ प्रॉब्लम दोबारा वंस मोर प्लीज। मेरा प्रॉब्लम सर ये है कि अभी मैंने मीटिंग ज्वाइन किया अपन की, आप शेयरिंग कर रहे थे तो शेयरिंग वाला जो पेज है नीचे रहता है और अभी जो मैं बोलता हूँ वो अपन का आता है ना माइक वाला वो पेज उसके बिल्कुल ऊपर रहता है तो मुझे नीचे वाला आपका शेयरिंग वाला कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी शेयरिंग कर रहा हूँ अभी। हाँ तो शेयरिंग अभी आपने शेयरिंग किया तो मैं जो बोलता हूँ मुझे ऊपर वाला दिखाई देता है और आपका शेयरिंग वाला पेज नीचे दब गया है। अच्छा तो देखिए इसमें पेज अपना डिवाइस सपोर्ट करना, अभी लेटेस्ट एप्लीकेशन है, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर के लिए बनाया गया, मोबाइल के लिए नहीं। पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी ने कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए बनाया गया तो हम मोबाइल में चला रहे तो मोबाइल भी सपोर्ट करना। लेटेस्ट एप्लीकेशन के लिए लेटेस्ट फोन चाहिए 5G फोन और उससे एडवांस जो बैंडविड्थ सपोर्ट करता है, जो फ्रीक्वेंसी को हाई स्पीड बैंड को सपोर्ट करता है वो बैंड वाला मोबाइल रखना। तो मोबाइल में देखिए वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है तो फिर हम वो अभी दो उंगली से उसको घुमा लेना है। अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर शेयरिंग रखा हूँ, वो शेयरिंग पेज आ गया। अभी ऊपर यहाँ दिख रहा व्हाट इज ओ ओर पे बोल के दिख रहा है, फिर मैं जो बात कर रहा हूँ वो बॉक्स दिख रहा है। तो ये देखिए वहाँ नीचे भी देखिए उसको, हाँ हम बात कर रहे तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये गोल घूम रहा है तो उसको मोबाइल वाले को बोल रहा हूँ तो जो मोबाइल से इस मीटिंग पे आते हैं दो उंगली से उसको घुमा लो, ऊपर नीचे कर लो, नीचे है तो ऊपर कर लो, ऊपर और एक लिमिट, एक सीमा है, एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं जाता, जितने भी घुमाने से पे थोड़ा लिमिट वहां जाके रुक जाता है। और नीचे ऑप्शन दिया डाउनलोड कर लो, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद फिर जाके वो डाउनलोड किया गया वो देख लो, पहले वहां मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, पहले जितना दिखा उतना अच्छा है। तो नीचे आपने सही बोला सर, वो जो दिखता है वो बिल्कुल थोड़ा ही नीचे खींचता है और बाकी नहीं खींचता, तो बाद में क्या करना वो आप बताइए सर। पहले वहाँ डाउनलोड ऑप्शन दे, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके इधर मीटिंग से ना वो देख। क्या डाउनलोड क्या करना सर? डाउनलोड करे तो वो मैं जो बता रहा हूँ बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद फिर आपको कौन बताना, फिर जो डाउनलोड किया बाद में घर में बैठ के आराम से देख लो, आज मैं आज इस मीटिंग में आए तो आपको क्या फायदा हुआ वो डाउनलोड से पता चलता ना। आज के दिन ये देखा, ये सुनने को मिला, ये देखने को मिला, तो सुनने के लिए कान है, देखने के लिए तो आंख है, तो फिर वो नीचे डाउनलोड ऑप्शन दिया मोबाइल वालों को या पेज डाउनलोड करो। रुको अभी मैं चेक कर लेता हूँ, ये पेज कहाँ दिखाई देता है सर? मुझे नहीं दिखाई देता इसलिए बोलता हूँ, कहाँ से डाउनलोड करना वही बात बोलता हूँ मैं। हाँ नीचे डाउनलोड ऑप्शन दिया और क्या दिया, करंट पेज भी बता रहा, तो इसके लिए लेटेस्ट डिवाइस चाहिए। अच्छा अच्छा आपका फोन कितने कितने साल का पुराना है ये बताओ? मेरा फोन सर रियलमी 7 प्रो है। कितने साल हुआ? 1 ईयर हुआ सर। इसमें अच्छी तरह से जो ऑप्शन है 4GB सपोर्टेड है सर, और डॉक्यूमेंट और प्रिंट पेज इसमें आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको ये डाउनलोड ऑप्शन ऑटोमेटिकली मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको बाद में देख सकते हो। नहीं नहीं डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहा, और सपोर्ट किया और जानकारी चाहिए रियलमी 7 प्रो हो अपडेटेड है। आप बीच वाला ऑप्शन जो है ना डॉक्यूमेंट्स उस पर क्लिक कीजिए, पहले 3 ऑप्शन दिख रहा है ना ब्लू कलर का जहाँ पे PPT चला हुआ है और जब सर बोल रहे तो उसका चारों तरफ से वो जो लाल निशान घूम रहे उसके नीचे देखो 3 बटन है, ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए पहले। उसका उसके नीचे 3 बटन सर कहाँ दिखाई देते हैं? दिखाई दे रहा है 3 देखिए, जहाँ पे पीपीटी दिख रहा है ना आपको, आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है जो बोल रहे है उसके नाम शो करके आपका पूरा वो लाइन चल रहा है रेड कलर की, ठीक है, उसके नीचे पीपीटी दिख रहा है, उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है ना। हाँ तीन तीन
नीचे अपन का मीटिंग वाला जो माइक है वो दिखाई देता है, उसके नीचे बिल्कुल वो होम पेज वाला और तीन बटन दिखाई देता है। होम पेज वाला तीन बटन है ना, उसमें बीच वाली बटन में क्लिक कीजिए। तीन वाले पे क्लिक करना, बाद में क्या करना? तीन वाले पे पहले क्लिक कीजिए, देखिए डाउनलोड हो जाएगा। बीच वाली पे क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक किया, इसमें सर मेरी बात सुनिए, इसमें डाउनलोड, इसमें क्लिक किया तो इसमें डाउनलोड वाला ऑप्शन है, हिस्ट्री वाला ऑप्शन है और एड पेज वाला। डाउनलोड करो, डाउनलोड करो। डाउनलोड, हाँ डाउनलोड किया, हो गया। तो इसमें इसमें क्या आया, इनवॉइस पीडीएफ लिखे लिखा हुआ आया। उसको सेव कीजिए। क्या करूं? उसको उसको डाउनलोड कीजिए, उसको डाउनलोड करूं? हाँ जी। तो पेज खुलता है सर? हाँ पेज खुल गया, मतलब डाउनलोड हो गया। उसको सेव कर दीजिए, ऊपर देखिए ऑप्शन है, इसको सेव करने का ऑप्शन है। इसमें नहीं, सेव करने का ऑप्शन नहीं है, रिमूव हिस्ट्री वाला ऑप्शन आता है। ऊपर देखिए थ्री डॉट आएगा, थ्री डॉट में क्लिक कीजिए, क्लिक करके सेव। हाँ तो इसमें इमेज इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है और डॉक्यूमेंट और अदर है। हाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसमें सेव कर लीजिए। ये जो फाइल आप देख रहे हो ना, ये आपके मोबाइल पे सेव हो जाएगा या फिर ऑलरेडी सेव हो गया है, तभी आप नहीं, ये फाइल मेरा क्या है, इनवॉइस वाला पीडीएफ है सर। नहीं पीडीएफ जो फाइल है वो इनवॉइस वाला पीडीएफ है। नहीं इनवॉइस वाला पीडीएफ नहीं है सर। देखिए आप मैं सब आपके आपकी बात समझ गया। मैं वो पेज मुझे नहीं आया है, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, वो डाउनलोड में डाउनलोड वाला ऑप्शन खोला तो मेरा इन वॉइस वाला पीडीएफ दिखाई देता है, आप जो बोलते हैं वो पीडीएफ नहीं तो दिखाई देता, तो वो कहाँ से आएगा? देखिए आप वो कनेक्ट मीटिंग पे हो ना, हाल रनिंग है, चालू है, रनिंग है, वहां पे देखो तीन ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर की, तीन ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर की। हाँ हाँ पीपीटी चल गया, अभी सर ने पीपीटी हटा दिया। चलो ये ऐसा कुछ नहीं है, आप आपका नंबर बताओ, मैं आपको ये भेज दूंगा। हाँ हाँ मेरा नंबर लिखिए सर, 6355680961 80961। ठीक है, इसमें मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगा। अच्छा थैंक यू सर। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजत है, रजत। अच्छा तो आपका नंबर बोलिए तो सर। 82 कितना? 82 1919 1919 1042 1 10। हाँ जी 1042 जी 8219